तो इस टाइम में गदर 2 का क्रेज बहुत ही ज्यादा है। लोगों के मन में डाउट है कि भाई ये मूवी एक सुपरहिट मूवी तो होगा ही, पर इसका कलेक्शन कितना होगा, तो चलो जान लेते हैं। तो ये मूवी का जो फर्स्ट शो है वो है फ्राइडे को, यानी 11 अगस्त को ये मूवी रिलीज हो रहा है। तो फर्स्ट डे का इसका जो कलेक्शन प्रिडिक्शन किया जा रहा है वो 30 से 40 करोड़ के ऊपर होगा। क्योंकि आपने अगर इसका टिकट देखा है भाई, टिकट बहुत सारे बुक हो चुके हैं, जैसे 1.5 लाख के करीब इसका टिकट अभी तक बिक चुका है। इसी वजह से आप ये मान सकते हो कि फर्स्ट डे का इसका कलेक्शन होगा 30 से 40 करोड़ के ऊपर। और उसके बाद डे 2 के कलेक्शन के बारे में अगर बात किया जाए तो 15 से 20 करोड़ तो हो ही जाएंगे, क्योंकि भाई टिकट ही उतना बिका है। और डे 3 यानी संडे का जो कलेक्शन होगा वो बहुत ही ज्यादा होगा, क्योंकि संडे हॉलीडे है, छुट्टियों का दिन, भाई वो दिन लोग ज्यादा मूवी देखने जाएंगे। तो इसी वजह से आप मान सकते हो 30 करोड़ के ऊपर इसका कलेक्शन होगा। तो वीकेंड में इसका जो कलेक्शन होगा टोटल वो 80 से 90 करोड़ या 100 करोड़ मान सकते हो। अगर वीकेंड में इतना ज़्यादा कलेक्शन हो जाता है तो इसका टोटल जो कलेक्शन होगा वो 300 करोड़ पार हो ही जाएगा। और जैसे कि आप लोगों को पता है कि गदर 2 का क्रेज़ बहुत ही ज़्यादा है, पहले गदर मूवी का क्रेज़ भी बहुत ही ज़्यादा था, अब गदर 2 रिलीज़ हो रहा है तो उसके वजह से जो पुराने ऑडियंस है वो भी वो मूवी को देखने के लिए जाएंगे। और आप ये चीज़ सोच के देखो कि भाई थिएटर से अगर इतना ज़्यादा कलेक्शन हो जाता है तो और भी बहुत सारे कलेक्शन का रास्ता है, जैसे कि म्यूजिक राइट्स है, सैटेलाइट राइट्स है और OTT राइट्स भी है। तो भाई ये सब मिला के मूवी का कलेक्शन बहुत ही ज़्यादा हाई हो जाएगा और मूवी सुपर डुपर हिट हो जाएगा। तो आप में से बहुत सारे लोगों को इसके बारे में समझ में नहीं आ रहा है, तो चलो मैं आप लोगों को समझा देता हूँ। पर उसके पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और पास में जो बेल आइकन है उसको ऑल पे सेट कर लेना, क्योंकि इस चैनल पे आपको ऐसा ही वीडियो रेगुलर देखने को मिलता है। तो देखो, आप लोग जो गाना सुनते हो वो किसी मूवी या किसी एल्बम का हो सकता है, मैं मूवी का ही पकड़ लेता हूँ। जैसे कि गदर 2 का मूवी का मैं गाना एक ले लेता हूँ, तो भाई वो गाना आप सुन रहे हो वो किसी म्यूजिक कंपनी ने खरीदा है, मतलब फ्री में कोई आपको ये गाना नहीं सुना रहा है। तो गदर 2 का जितने भी गाने हैं वो सब खरीदा है जी ने, कितने रुपए में पता है, 15 करोड़ में। और उसके बाद आता है OTT राइट्स, यानी जो OTT प्लेटफॉर्म है, जैसे कि Amazon प्राइम वीडियो, Netflix, G5। तो इसके जो गदर 2 के जो OTT राइट्स है वो खरीदा है G5 ने, और कितने रुपए में खरीदा है ये तो भाई अभी नहीं बता सकते, क्योंकि मूवी जब थिएटर में जितना कलेक्शन करेगा उसके हिसाब से यानी 1/3% उसका OTT कंपनी देगा। अगर मान के चलो कि गदर 2 मूवी का कलेक्शन हुआ है 250 से 300 करोड़, तो उसका OTT कंपनी देगा 1/3% यानी 80 से 100 करोड़। और लास्ट में आता है सैटेलाइट राइट्स, मतलब हम लोग जो टीवी में जो मूवी वगैरह देखते हैं उनके लिए भी एक राइट्स होते हैं। तो इसके लिए तो गदर 2 को 15 से 20 करोड़ तो मिल ही जाएंगे। तो इसको अगर टोटल अप करते हो तो भाई 400 करोड़ के ऊपर होगा। तो ये सब बताने के बाद भी बहुत लोग ये बोलेंगे कि भाई थिएटर में इतना ज़्यादा कलेक्शन नहीं होगा। भाई मैंने आप लोगों को बता दिया कि ये मूवी अगर 3 दिन में इतना ज़्यादा कलेक्शन कर लेता है, यानी 100 करोड़ कलेक्शन कर लेता है, तो मान के चलो मूवी का जो टोटल कलेक्शन होगा वो 250 से 300 करोड़ होगा ही, उससे कम तो हो ही नहीं सकता है। क्योंकि उस दिन जो मूवी रिलीज़ हो रहा है यानी OMG 2, वो तो डिजास्टर होने वाला है, क्योंकि वो मूवी को कोई भी नहीं देखने वाला है। वो मूवी का टिकट अगर आप देखोगे तो भाई 25,000 या 30,000 टिकट बिका है अभी तक। तो ये सब देखते हुए सभी को तो ये पता चल ही गया है कि भाई ये मूवी 2-3 दिन बाद सिनेमा हॉल से हट जाएगा, उसके बाद चलेगा सिर्फ गदर 2। और आप लोगों के मन में अभी एक डाउट चल रहा है कि भाई रजनीकांत सर का जेलर भी तो रिलीज होने वाला है, वो तो कलेक्शन करेगा ना। पर मैं बोल दूं आप लोगों को कि वो मूवी साउथ में अच्छा कलेक्शन करेगा, हिंदी बेल्ट में उतना ज़्यादा अच्छा कलेक्शन नहीं कर पाएगा। तो सब मिला के गदर 2 एक सुपर डुपर हिट मूवी होने वाला है। आप लोग क्या एक गदर 2 मूवी देखने जा रहे हो? अगर देखने जा रहे हो जरूर से एक बार कमेंट करके बताना, और आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक जरूर से कर देना। और आपने अगर इतना देर तक वीडियो को देखा है तो आपको दिल से थैंक यू। आपको अगर ऐसा ही वीडियो रेगुलर देखना है जरूर से चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं इस चैनल पे ऐसा इंटरेस्टिंग वीडियो रेगुलर लाता रहता हूँ। और मैंने मेरे पिछले वीडियो में फुल डिस्कस किया है कि OMG 2 मूवी क्यों फ्लॉप होगा, वो वीडियो आपने अगर अभी तक नहीं देखा है तो जरूर से जाके देख लेना। तो चलो ये वीडियो के लिए बाय बाय, मैं आप लोगों से मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अच्छे से रहना, खुश रहना।